आईपीएल 2021 फेज टू में सोमवार को सनराइजर हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मैच खेला गया, जिसे हैदराबाद ने शानदार खेल दिखाते हुए 7 विकेट से जीतकर अपने नाम किया। मैच में एसआरएच के सामने 165 रनों का टारगेट था, जिसे टीम ने 9 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। टारगेट का पीछा करते हुए एसआरएच की तेज शुरुआत देखने को मिली। पहले विकेट के लिए जसन रॉय और रिद्धिमान साहा ने 31 गेंदों पर 57 रन जोड़े। साहा रन बनाकर महपाल की गेंद पर स्टंप आउट होकर पवेलियन लौटे। एसआरएच के लिए अपना पहला मुकाबला खेल रहे जैसन रॉय ने शानदार बैटिंग करते हुए 42 गेंद पर 60 रन बनाए। अपनी पारी में रॉय ने 8 चौके और 1 छक्का लगाया। आईपीएल में यह उनका दूसरा अर्धशतक रहा। आईपीएल ऑक्शन में हैदराबाद के जैसन रॉय को 2 करोड़ रुपए में खरीदा था। इस पारी के साथ ही विस्फोटक बल्लेबाज ने प्लेइंग 11 में अपना नाम पक्का कर लिया। रॉय के विकेट के बाद 6 गेंद के अंदर ही आरआर ने प्रियम गर्ग को शून्य पर आउट कर हैदराबाद को बड़ा झटका पहुंचाया। गर्ग की विकेट मुस्तफिजुर रहमान के खाते में आई। इस प्रकार हैदराबाद ने शानदार खेल दिखाते हुए 7 विकेट से जीत अपने नाम कर ली। आईपीएल में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।